काफी सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, जिनको देख के अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ये अपनी उम्र से इतना ज्यादा छोटे कैसे लग रहे हैं, या फिर हैं आप 50 के लगते हैं 35 के, तो इसके पीछे रीजन है आपकी स्किन केयर का। अगर आप भी अपनी स्किन को रखना चाहते हैं 50 की उम्र में 30-35 का, तो आज की ये रेमेडी एक बार मेरे कहने से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। भर भर के हाइड्रेशन मिलेगा, चेहरा इतना ज्यादा यंग और ग्लोइंग दिखेगा कि आप इस रेमेडी को रोजाना लगाना चाहेंगे। अगर आपके चेहरे के ऊपर अर्ली साइन ऑफ एजिंग दिखाई दे रहे हैं उसको ये रिड्यूस करती है, स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा चमक देती है, बेदाग करती है आपकी स्किन को। हाइड्रेशन जब हमारी स्किन को मिलता है, यानी कि खाना जब हमारी स्किन का हमें प्रॉपर देना पड़ता है अपनी स्किन को, हमारी स्किन के ऊपर नेचुरल वाला ग्लो दिखाई देता है। इतनी ज्यादा लाइटें मारती है भैया, लाइटें मारना तो फेमस हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं दी आप लाइटें मार रहे हो, तो ये के ऊपर नेचुरल ग्लो हो, लाइटें मारती हुई स्किन हो तो क्या ही कहना है। तो एजिंग के ऊपर काम करेगी, डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करेगी, स्किन के ऊपर जो कोलाजन हमारा एक उम्र के बाद में डिफ्यूज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, जो कि हमारी बॉडी अपने आप से प्रोड्यूस करती है, तो हमारी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन, फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखाई देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नुमे तफोती, बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यहाँ पर इसी तरह के मैजिक अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री होके कॉमेंट सेक्शन में घूम के आइए और देख के आइए कि मेरी फैमिली इन रेमेडीज को करके कितनी ज्यादा खुश है। तो अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज फील फ्री होके उस फ्री वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, जो कि आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए एक बूस्टअप हो जाता है अच्छी रेमेडीज और बना के लाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, उनका रिप्लाई देने में मुझे बहुत मजा आता है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम रेमेडी देख लेते हैं कैसे बनाना है और इसको लगाना कैसे है, उतारना कैसे है, और रिजल्ट भी आपके सामने विजिबली दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कैसे तैयार करना है, तो चलो चलते हैं आपके किचन की तरफ। तो चलिए जी देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या लेना है। देखिए ये जो चीज मैं आपको बता रही हूं ना, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन को और हेल्प करते हैं आपकी स्किन के ऊपर प्री मैच्योर एजिंग को आने से रोकने के लिए। ठीक है जी, तो वैसे ये चीज आप बना के अगर रख लेते हैं तो आप महीने भर के लिए अपनी स्किन को एक कोलाजन का बूस्टर दे सकते हैं। क्या है ये है फ्लेक्सीड। ठीक है जी, फ्लेक्सीड यानी कि अलसी, बहुत आसानी से आपको परचून की दुकान पर मिल जाती है, पंसारी से मिल जाती है, जनरल शॉप से भी, हर जगह से मिल जाती है। और इसके साथ में हम जो दूसरी चीज ले रहे हैं उसमें भी है भरपूर मात्रा में एंटी एजिंग, कलर को भी फेयर करती है और हमारे चेहरे पर बुढ़ापे को आने से रुकते। ये क्या है, ये है मेथी दाना, जिसको कि आप रेगुलर तौर पे खाते हैं, यानी कि फेनोग्रिक सीड। ये दोनों आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लो, मंथली बेसिस पे अगर आप बना के रख रहे हैं तो 3-3 चम्मच दोनों का लेके आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ग्राइंड करके ये मिल जाएगा, इसको आप एक महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये एक ऐसा फेशियल तैयार कर रही हूं मैं जो आपकी स्किन को टाइटनिंग देगा और बोटोक्स का काम करेगा, यानी कि बुढ़ापे को आने से रोकेगा, डार्क स्पॉट्स पैचेस को भी हटाता है। अब क्योंकि मेरे घर में मेरा पाउडर खत्म हो गया था तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, बना के रख लेते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर यानी कि करीब करीब रोजाना भी इसको लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर कर लेंगे और रखिएगा फ्रिज में ही। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी चीज क्या डाल रहे हैं जो स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, वो है मेरी द मोस्ट फेवरेट, जो स्किन के ऊपर एकदम मैजिक की तरह काम करती है, वो है जी खांड। 1-2 चम्मच आराम से आप खांड इसमें डाल सकते हैं, स्किन ऐसे चमक आ जाएगी स्किन के ऊपर, ऐसे आपकी स्किन पॉलिश होगी कि स्किन को हाथ लगाते हुए आपको लगेगा रेशम है, सिल्क की तरह लगेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एंटी एजिंग क्लोव ऑयल, ये भी आपको बहुत आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाता है। क्लोव ऑयल आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर काम करता है, 3-4 ड्रॉप डाल सकते हैं अगर आप 50+ हैं, नहीं तो आप 1-2 ड्रॉप इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे दही, जिसका कि मैंने पानी निकाल रखा है। देखिए गाढ़ा दही होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम रेमेडी बना रहे हैं ना, ये हमारे चेहरे के ऊपर टिकनी चाहिए, बहनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको बिना पानी वाला जो दही होगा, अगर आपके पास नहीं है तो छान लीजिए। करेंगे क्या, एक कटोरी के ऊपर आप रख लीजिए छन्नी, या फिर एक पतला सा मलमल का कपड़ा, उसके ऊपर 2 चम्मच आप दही डाल दो और देखो आपके दही का सारा पानी नथर जाएगा। ये बन के आ गई हमारी रेमेडी। देखिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, सारा सामान आपके घर पर मौजूद है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं सारे के सारे आपकी उम्र के लिए, यानी कि आपकी एज के ऊपर काम करते हैं, कलर को फेयर करते हैं, पैचेस को हटाते हैं, डल स्किन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन भर भर के मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट काम करती है। अब हमने करना क्या है, अपने फेस को हमने पहले क्लीन करना है।
क्लीन करने के लिए आप कच्चे दूध का यूज कर सकते हैं, क्लीन करने के लिए आप चाहे तो जो भी DIY मैंने फेस वॉश बताए हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। चेहरा एक्चुअली मेकअप के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी फेस के ऊपर कोई बेस कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब भी आप रेमेडी लगाते हैं वो आपके क्लीन फेस के ऊपर ही अपना रिजल्ट दिखा पाती है। ऑलरेडी फेस के ऊपर अगर आपने एक शीट लगा रखी होगी मेकअप किया कुछ भी, तो हमारी रेमेडीज उसका बिल्कुल भी असर नहीं दे पाएंगी। तो चेहरा एकदम क्लीन होना चाहिए। मेरा फेस आप देख रहे हैं, मैं जिम से अभी आई थी और उसके बाद में ही मैंने अपनी रेमेडी को किया और स्किन देखो क्या लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं जस्ट अभी नहा के तैयार होके बैठी हूँ आप लोग के साथ इसको शेयर करने के लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में अपनी रेमेडी को बनाएंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अच्छे से लगाएंगे हम अपने चेहरे के ऊपर, पूरे बढ़िया से आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है, नेक के ऊपर भी बढ़िया से लगाएंगे, आंखों के ऊपर। अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा लूज होती जा रही है, आपको दिख रहा है कि स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है, अपनी आंखों के ऊपर जरूर से जरूर लगाइएगा, आईब्रोज के ऊपर, आईज के ऊपर, आंखों के नीचे यहां पर जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहां पर भी हमें रिंकल्स और झुरियां दिखाई देती हैं, यहां पर जरूर लगाइएगा। ठीक है, अच्छे से लगा के इसको आपने छोड़ देना है कंप्लीटली ड्राई होने के लिए। ड्राई होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये कंप्लीटली जैसे एकदम पाउडर की तरह ड्राई हो जाता है वैसे नहीं होगा, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर सेटल हो जाएगा एकदम ही। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या करना है, या तो आप पानी को स्प्लैश करिए फेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप इसको धोने जाएंगे तो बहुत ज्यादा चिकना है ये फेस पैक, ये पानी आपका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो या तो आप स्पून के साथ में पहले आप इसको हटाइए और रिजल्ट तो आपको स्पून के साथ में हटाते हटाते में दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आपको मेरा दिखाई दे रहा होगा। मैंने स्पून के साथ में, मैं हमेशा एक्चुअली स्पून के साथ में हटाती हूँ मेरे पैक्स को, क्योंकि मुझे पता है पैक वगैरह जो होते हैं वो पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके बाद में आप सिंपल टॉवल के साथ में भी, गीले छोटे से टॉवल के साथ में, अगर आप माइक्रोफाइबर वाले जो टॉवल आते हैं उनके साथ में क्लीन करेंगे तो भी बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाती है। ठीक है, अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे और साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है, कोई फेस वॉश नहीं लगेगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको इसके बाद में कोई क्रीम भी लगाने की थोड़ी देर तक जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सजेस्ट करूंगी ना ही लगाइएगा। हो सके तो इस रेमेडी को रात को करिएगा, रात को करने के बाद में जब आप अपना फेस वॉश करके सो जाएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैजिक दिखने वाला है, मैजिक दिखेगा, ट्राई करके जरूर देखिए। आपको आज की ये रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है, इतना ज्यादा भर भर के हाइड्रेशन मिलता है दोस्तों, और हाइड्रेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्किन को ठीक मात्रा में, उचित मात्रा में पानी दिया जाए, खाना दिया जाए, स्किन केयर किया जाए, स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं दिखाई देती है। चाहे आपकी उम्र 50 हो, 60 हो, 70 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्किन के ऊपर एक नेचुरल वाला ग्लो हमेशा बना रहता है। ट्राई करके जरूर देखिएगा इस रेमेडी को, मेरी फेवरेट रेमेडी है और मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसको करने के बाद में जो स्किन के ऊपर लाइटें आती है ना, मैं क्या ही बताऊं। चलिए, ये एक मैंने आपको टास्क दे दिया है, प्लीज बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर देखना देखने के बाद में जरा सा भी अच्छा लगा है मुझे मेरी नेक्स्ट रेमेडी बनाने के लिए बूस्टअप मिल जाएगा। कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बताइएगा जरूर कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।